नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। संभल दिल्ली पुलिस द्वारा 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस भी अलर्ट। संभल दिल्ली पुलिस द्वारा 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस भी अलर्ट है। बता दें कि देर रात तक यूपी के संभल में संभल पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां पुलिस ने आते जाते वाहनों और रोडवेज बसों के अलावा लोकल बसों में भी चेकिंग की, साथ ही साथ होटल ढाबों के अलावा संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की और उनकी तलाशी भी ली गई। संभल जिस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा असम से 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी में भी पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, जहां संभल में संभल पुलिस ने देर रात तक जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया। संभल के एसपी यमुना प्रसाद ने भारी पुलिस बल के साथ होटल ढाबों और वाहनों की चेकिंग की, साथ ही साथ मेन हाईवे पर आती जाती बसों के अंदर भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से संभल अतिसंवेदनशील जिला है, उसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की गई है। तो वही बसों में भी लोगों के सामान की तलाशी के साथ साथ आते जाते वाहनों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देर रात तक पुलिस ने संभल जिले के कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया। ये जनपद संभल में अभी आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया गया है। सरप्राइज चेकिंग है ये और सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। यहाँ पे संवेदनशीलता को देखते हुए जनपद संभल के संभल जो थाना क्षेत्र है, यहाँ पे आज ये अभियान चलाया गया है। जनपद चूँकि संवेदनशील है और आने वाले समय में सजग रहते हुए सभी व्हीकल जो टू व्हील हैं, फोर व्हील हैं, बस हैं या आने जाने वाले यात्री हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और उनके साथ जो लगेज है, उनको भी चेक किया जा रहा है। सभी को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि संवेदनशीलता रखते हुए और सारे पुलिस बल आवश्यक कार्रवाई करें और चेकिंग करते रहें, रेगुलर बेसिस पे लगातार कार्रवाई करते रहें। सर, दिल्ली में जो 3 आतंकवादी की गिरफ्तारी की गई है, सर उसके मामले को गंभीरता से लिया गया? सभी मामलों को गंभीरता से लेकर, जितनी हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं या न्यूसेंस हैं, तो उन सभी को गंभीरता से लेते हुए समय समय पर ये कार्रवाई की जा रही है। आज जनपद संभल में इसकी सरप्राइज चेकिंग की जा रही है, जिससे सभी लोग, जितने व्हीकल हैं, टू व्हील फोर व्हील, उनमें कोई ऐसा सामान या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध है वो निकल के ना जाने पाए, उस पर हमारी चेकिंग एक प्रभावी तरीके से होती रहे और जिससे लोगों जो न्यूसेंस वैल्यूज हैं उनके मन में डर रहे कि यहाँ पे पुलिस चेकिंग कर रही है और संवेदनशील, इसलिए सजगता के साथ ही कार्रवाई की जा रही है। सर, चेकिंग के दौरान अभी आपको एक वस्तु मिली थी, शायद आपने चेकिंग के लिए भेजा है उसको? हाँ, वो अल्टरनेटर था, वो उसमें लगता है, ट्रैकर में लगता है जैसा बताया गया, उसको अभी मोटर पार्ट्स के दुकान पर भेजा गया है उसको चेक कराने के लिए, और चेक करा करके उसको पाया गया है कि वो मोटर पार्ट का है, तो उसको वापस कर दिया गया है।